हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? फाइनली मैंने मंगा लिया है एक वायरलेस माइक। मेरे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पे मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैंने ये वायरलेस माइक मंगा दिया है। दिस इज़ अ टाइप सी माइक। ये मुझे पड़ा 350 रुपीज़ में फ्रॉम फ्लिपकार्ट। तो आप भी ले सकते हो। हम पहले ये रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे एंड देन अंडरस्टैंड करेंगे वेदर ये लेना चाहिए कि नहीं। बट वैसे भी 350 में तो हम ले ही सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे वायरलेस माइक्स के बारे में, देर आर मल्टीपल ब्रांड्स जो कि बहुत एक्सपेंसिव जाता है। इट वुड कॉस्ट अराउंड 3000 to 4000 के करीब। एंड यस, आई होप आपने इसका वीडियो देख लिया है, सो प्लीज़ देख लेना ये वीडियो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, ये है ओरिजिनल बॉक्स, कम्प्लीटली सील्ड होके आता है एंड यहाँ पे लिखा हुआ भी है इसके ऊपर, सी यूट्यूब वीडियो बिफोर यूज एंड चार्ज प्रॉपरली। ये एक चाइनीज ब्रांड है एंड इसके ऊपर ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो पता नहीं कितना चलेगा और कितना नहीं। यहाँ कुछ लिखा हुआ है जैसे प्ले एंड प्लग, 30 meters ऑफ रिसेप्शन, प्रीशियस रेडियो, क्लियर टिम्बर, हाईली सेंसिटिव, वाइडली कंपैटिबल, और ऊपर की तरफ K8 वायरलेस माइक्रोफोन। नीचे की तरफ कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा है फॉर टाइप सी एंड फॉर आईफोन। चलिए इसका लैमिनेशन हम उतारते हैं और चेक करते बॉक्स के अंदर क्या है। वैसे दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, यानी ब्लूटूथ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है। बॉक्स पे ये मेंशनड है, ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो लाइव शो, इंटरव्यू एंड शॉर्ट वीडियोस के लिए। चलिए, बॉक्स ओपन हो चुका है, ये तो एम्प्टी है और यहाँ पे हमें दिखते हैं 2 products। एक है टी टाइप जो आपके मोबाइल में लगेगा और दूसरा है माइक। मोर ओवर, बॉक्स के अंदर आपको आईफोन कनेक्टर भी मिलेगा, टाइप सी टू आईफोन कनेक्टर, विच मीन्स आप आईफोन के साथ भी ये यूज़ कर सकते हो। यार, इस बॉक्स में आईफोन का भी कनेक्टर दे दिया, विच मीन्स बहुत सही है यार। और इसके अलावा मैनुअल है जो आप पढ़ सकते हो। वैसे तो सेटअप करना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट एक बार पढ़ लोगे या एक बार देख लोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। और इसके अलावा बॉक्स के अंदर है टाइप सी केबल जो कि चार्ज करने के लिए काम आएगा। इस बॉक्स में आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है एंड यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा, टाइप सी केबल आईफोन कन्वर्टर को कैसे कनेक्ट होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे कनेक्ट करना है एंड देन यू कैन गो फॉर इट। उसी तरह आपको यदि टी कनेक्टर यानी जो आपके मोबाइल में लगने वाला है, यदि ये वाला जो कनेक्टर आपको आईफोन में लगाना है तो वो इस कन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये माइक का पावर बटन है, ये आपको होल्ड करके रखना है तो ग्रीन लाइट जल जाएगी। लाइट इंडिकेशन के बारे में मैनुअल में बहुत विस्तार में बताया गया है, तो यदि ये ब्लिंक हो रहा है ग्रीन एंड रेड तो विच मीन्स आपका अभी तक डिवाइस पेयर हुआ नहीं है, कनेक्टेड हुआ नहीं है, क्योंकि आपका अदर जो दूसरा डिवाइस है, जो टी डिवाइस है, वो जब तक आप मोबाइल में कनेक्ट नहीं करोगे ये ग्रीन लाइट नहीं आएगा। ये है माइक और माइक का स्पंज फॉर नॉइज़ कैंसिलेशन। आगे टेस्टिंग में पता चलेगा कि इसका नॉइज़ कैंसिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। वैसे आप देख सकते हो ग्रीन एंड रेड लाइट ब्लिंक हो रहा है, तो विच मीन्स अभी तक डिवाइस पेयर हुआ ही नहीं है। और एक बात बतानी थी, जब आप डिवाइस चार्ज करोगे तो चार्जिंग के वक्त रेड लाइट ब्लिंक होगी, चार्जिंग फुल होने पर लाइट नहीं जलेगी। तो ये वाला जो कनेक्टर है, ये वाला टी टाइप, ये मोबाइल में लगेगा और ये वाला माइक जो है ये आपको कॉलर पर लगाना है। तो यदि आपका शूटिंग एंगल एकदम स्ट्रेट है, यानी मोबाइल और ये माइक दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो आपके वॉइस में कोई लैग नहीं आएगा। बट यदि आप जैसे टर्न हो जाते हो एंड देन माइक और मोबाइल एक दूसरे को नहीं देख पा रहे और बीच में गैप बन जाता है, तो डेफिनेटली वॉइस में एरर आएगा। तो वो मैं आपको टेस्टिंग में बता दूंगा। ये है टेस्ट 1 विदाउट माइक। मैंने ये डिस्कनेक्ट करके रखा है विदाउट माइक एंड विदाउट दिस मैं निकाल देता हूँ। ओके, एंड हम अभी टेस्टिंग कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। टेस्ट 1 विदाउट माइक, विदाउट वायरलेस माइक। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये करीबन 12 फीट की दूरी पे हूँ मैं करीबन 12 फीट की दूरी पे था। आई एम नॉट श्योर आवाज़ आया है कि नहीं, वॉइस कैप्चर हुआ है कि नहीं प्रॉपरली, आप वीडियो में चेक कर लीजिएगा। अब हम टेस्ट 2 के तरफ बढ़ते हैं, टेस्ट 2 विद माइक। यहाँ पे मैंने वायरलेस माइक ऑन नहीं किया था, टी कनेक्टर कनेक्ट करके रख दिया था मैंने मोबाइल में, बट मैंने माइक ऑन नहीं किया था,
तो इसीलिए ब्लैंक वॉइस आया है। ओके, ग्रीन लाइट आ गई है, विच मीन्स पेयर हो चुका है। मैंने वहाँ पे मोबाइल में कनेक्ट कर दिया है टाइप सी, ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगेन ये 12 फीट की दूरी है, तो वॉइस आप एक अंदाज़ा लगा लेना, आई एम श्योर क्लियर ही आएगा। अब मैं टर्न हो जाता हूँ एंड देन वी विल चेक कि डिस्कनेक्ट कैसे होता है या कनेक्शन कैसे रहता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगेन 12 फीट की दूरी है, मैं टर्न हो चुका हूँ। मेरा माइक और मोबाइल एक दूसरे से कनेक्शन में इन लाइन नहीं है। अब हम टेस्ट करेंगे 50 फीट डिस्टेंस। माइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ये डिस्टेंस हम चेक करेंगे, दरवाजा बंद हो रहा है वहां पे, एक मिनट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। दिस इज वन मोर टेस्ट, ये मैं इसको हिला रहा हूँ। मे बी विंड ब्लास्ट, हम एक अंडरस्टैंड करेंगे विंड ब्लास्ट का कैसे वॉइस कैप्चर होगा। सो लेट्स सी। सो दोस्तों, सारी टेस्टिंग हो गई है, हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। यदि कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना। तो फाइनली आप सभी को ये जानना होगा कि क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं। तो आप ले सकते हो यदि आपके स्टेबल सिटिंग वीडियोज है एंड आपको पॉडकास्ट टाइप या ऐसे जैसे मैं बैठ के बात कर रहा हूँ बस इतना ही करना है तो आप ले सकते हो। यदि आप इसको मूवमेंट करोगे, जैसे एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, तो वॉइस में थोड़ा सा शेक आएगा, वॉइस क्लियर नहीं आएगा। तो उस अंदाजे से आप प्लान कर सकते हो लेने का। मार्केट में और बहुत सारे अच्छे वायरलेस माइक्स हैं विच कुड कॉस्ट यू अराउंड 1,000 to 3,000 के बीच में। तो यदि आपको वो लेना है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो फिर इससे काम चलाना है तो इससे भी काम चला सकते हैं। मेरे लिए काम चला हुआ आइटम है तो मैं ठीक है, मैं यूज़ कर लूँगा इसको, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा मुझे। अनलेस यू टर्न योर बैक, और अगर माइक और मोबाइल दोनों आमने सामने अगर नहीं है तो फिर वॉइस में ब्रेक आएगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। यदि कुछ छूट गया हो तो मुझे बता देना कमेंट में, अगेन मैं वही बता रहा हूँ। स्लोली स्लोली हम ग्रो कर रहे हैं, आई वुड नीड ऑल ऑफ योर हेल्प टू ग्रो माई चैनल। एक नई शुरुआत है, नाम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आप लोगों का सपोर्ट लगेगा मुझे। तो मिलते ही ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ, स्टे ट्यून टू माई चैनल, बाय बाय।